हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी पाठशाला की एक और वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी वीडियो कि जिसको देखने के बाद में, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में, अभी पहले बता रहा हूं, स्किप मत करना, अभी पूरी ये वीडियो देखने के बाद में आपकी ट्रेडिंग जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। कैसे होने वाली है मैं बताऊंगा। और ये वीडियो किन के लिए है ये भी पहले मैं बता देता हूं कि ये वीडियो उनके लिए है जिनको स्टॉक मार्केट में या ऑप्शंस में काम करते करते एक साल या डेढ़ साल या दो साल या टाइम हो गया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें आप जानते हो, ठीक है, लेवल ड्रॉ करना आता है, सब कुछ आता है, आपको ट्रेड लेना आता है, पर क्या होता है ना, मंथ के एंड में आप प्रॉफिट नहीं ले पाते, आप लॉस में ही आ जाते हो। तो ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग करना तो सीख गए हैं लेकिन प्रॉफिटेबल रहना नहीं सीखे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बिगनर्स जो हैं, जिनको नहीं पता कि डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, लेवल्स कैसे निकालते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर आप उनमें से हो तो मेरे ही चैनल के ऊपर चले जाओ और जा करके देखो, नीचे बिगनर सीरीज एक पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है जहां पर मैंने शुरू से लेकर के आखिर तक कैसे एक बिगनर को रोड मैप चाहिए, सीखना होता है क्या क्या सीखना होता है, वो पूरा रोड मैप उस तरह से पूरी एक सीरीज बनाई हुई है। जा करके उसे वॉच करो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग लॉस के रीज़न क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी किस तरीके से हमारी काम नहीं कर रही है स्टॉक मार्केट में, कैसे करनी चाहिए ये तो सब कोई बताते हैं लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है ये कोई नहीं बताता। इस वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर एक आखिर में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे लॉस करने के जो रीज़न है ना वो क्या क्या है। देखो, सबसे पहला रीज़न पता है क्या है, इम्पेशेंस। मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है 9:15 पर, ये देखो यहाँ खुली, अब ये कैंडल ने ऊपर को तोड़ा, आपने फौरन यहाँ पर एक ट्रेड बनाया कि हाँ ये हायर हाई तो जा रही है, मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई जैसे ही टूटा आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। देखो ट्रेड गया अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट देखो यहाँ पर लो तोड़ रही है लेकिन फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ये यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है, इस ट्रैप में आके आप एग्जिट कर दोगे, उसके बाद फिर बड़ी सी कैंडल बनेगी तब आप ट्रेड लोगे। हमको क्या करना है, ये दो दो तीन तीन बार ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि इससे क्या होता है ना, बार बार ट्रेड लेने से हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा तो कभी कभी देखा जाता है कि ब्रोकरेज ही चला जाता है। तो ब्रोकरेज नहीं देना है हमें, एक ट्रेड बनाना है, प्रॉफिट या लॉस लेकर के निकलना है, दो ट्रेड नहीं करना। अब वो ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपके बताऊंगा जब मैं स्ट्रेटजी आपको समझाऊंगा, इसलिए पेशेंस रखो। 9:15 बज गया है, ऐसा नहीं है कि मार्केट बस आप खोल के बैठ गए हो लैपटॉप की, बस अभी हमें फौरन पोजीशन बनाना है, 9:16 हुआ आपने पोजीशन बनाया, 9:20 पे पोजीशन बनाया, 9:30 पे, अरे वेट कर लो, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आपको ये लगता है कि मार्केट छूट के चला जाएगा, आपको कोई भी पोजीशन दिखती है तो आपको लगता है कि बस मार्केट में अभी पोजीशन बना लो, अभी टाइम है वरना प्रीमियम महंगे हो जाएंगे, या तो फिर मार्केट निकल जाएगी तो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, या तो किसी किसी को बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनाना होता है, उसके अंदर डर बैठा होता है इसलिए, तो उस चक्कर में लोग जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। वेट करो, वेट करो और सिर्फ देखते रहो मार्केट को, चार्ट चल रहा है ना चलने दो, अपने जो भी चीज़ें हैं उनको आने का इंतज़ार करो, वो आगे स्ट्रेटजी में बताऊंगा। दूसरे वो लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं, जो अभी भी 2024 में सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर रिलाई करते हैं कि क्रमो जैसे MACD हो गया, जब एक दूसरे को वो क्रॉसओवर देगा तब मैं ट्रेड लूँगा, या RSI ये 50 के ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल की पोजिशन बनाऊँगा, मतलब इस तरह से जो सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अभी भी कर रहे हैं 2024 में भी, तो वो लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तीसरे वो लोग हैं जो मार्केट में लॉस करके परेशान हो चुके हैं, अब उनके अंदर एक डर बैठ चुका है, कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो पहले उनके अंदर वो डर होता है जिसकी वजह से पोजीशन उनकी कभी ऊपर बनती है कभी नीचे बनती है। तीसरे ये लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। चौथे वो लोग हैं जो इमोशनल हैं, यानी अगर ट्रेड लिया कॉल साइड का, एक रेड कैंडल आना शुरू हुई तो उनके अंदर इमोशंस जागना शुरू हो गए कि यार नहीं नहीं लॉस जा रहा है, लॉस जा रहा है, एग्जिट करो, फिर जैसे ही कॉल में मार्केट जाती दिखी फिर कॉल में लिया और फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही रेड बनना शुरू हुई वैसे ही एग्जिट किया, वो इमोशंस में बह के यही करते हैं, या तो फिर लॉस हो गया तो उसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं, वो लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। पाँचवें वो लोग हैं जिनका मार्केट में एंट्री करना आता है, मान के चलो आपने यहाँ पर एंट्री बनाई है, अभी आपको पता ही नहीं कि आपका टारगेट कहाँ पर है, मार्केट में यहाँ पर एंट्री आपने बनाई, टारगेट नहीं पता आपको कहाँ है, वापस उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, आपका लॉस हो गया,
आपने सेल लेकर के आप मार्केट से आउट हो गए जबकि मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिखाया था, आप बुक नहीं कर पाए। तो ये इस तरह के लोग होते हैं जो लॉस करते हैं। तो अब बात करते हैं कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, लगने वाले ट्रेड से दूर रहो। लगने वाले ट्रेड कौन से होते हैं कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की पोजीशन बना लिया, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो पुट की पोजीशन बना लिया। बहुत से लोग देखो, अब यहाँ पर निफ्टी है या बैंक निफ्टी कल के दिन यहाँ पर आखिरी टाइम पे 3:30 बजे के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट भागी 3 PM के बाद में ना, तो अब बहुत से लोगों को लगेगा यार BTST होल्ड कर लो, कल के दिन बड़ा गैप अप होगा। अरे हो जाने दो, गैप अप हम कह रहे हैं 1000 पॉइंट का हो जाए, पर रिस्क नहीं लेना, ऐसा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि BTST आपको नहीं पता कहाँ खुलेगी, आपको सिर्फ एक अंदाज़ा है, ठीक है। एक अंदाजे के तौर पर आप नहीं ले सकते ट्रेड जब तक कि आपके पास एक्स्ट्रा बड़ी कैपिटल ना हो जाए, आप प्रॉफिटेबल ना हो, आपको थोड़े बहुत लॉस से फ़र्क ना पड़े, तब तक कि आप BTST से दूर रहो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अपने नियम बनाओ कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर बाई करता हूँ तो यहीं पर बाई करूँगा, और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी यही तो होती है कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं, कि मतलब आप चेक करते हो कि सपोर्ट जोन पर है तो कॉल मैं उठाऊंगा, डोजी बनेगी तो कॉल उठाऊंगा, ठीक है, वॉल्यूम आएगा कैंडल में तो कॉल उठाऊंगा। मतलब आपके कुछ भी जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो उसके 3 या 4 पैरामीटर्स होंगे कि तीनों चारों चीज़ें यही होनी चाहिए। तो जब तक वो आप देखते हो कि 1-2 चीज़ें होती हैं आप फॉरन ट्रेड ले लेते हो, पूरी हो जाने दो ना, वो चारों आपने लिख करके रखो, उसके ऊपर टिक मार्क करो, चेक का टिक मार्क लगाओ कि हाँ ये चारों चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद ट्रेड बनाओ और फिर उसके बाद में ट्रेड में बने रहो। स्ट्रेटजी को समझो, अपना प्रॉपर SL लो या तो फिर टारगेट हिट कराओ, ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्ट्रेटजी। अब आते हैं लास्ट में स्ट्रेटजी के ऊपर। स्ट्रेटजी ऐसा है कुछ कि सबसे पहले, जैसे कि अभी ये निफ्टी का टाइम फ्रेम बना हुआ है, तो सबसे पहले तो देखो स्ट्रेटजी को समझने से पहले एक चीज़ देख लो कि स्ट्रेटजी होती क्या है। मान के चलो कि आपने यहाँ पर एक पैरामीटर लगा रखा है कि एक ये यहाँ पर चल रहा है आपका MACD। मैं ये इंडिकेटर बेस्ड बता रहा हूँ लेकिन ये इंडिकेटर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। आपने यहाँ पर लगा रखा है कि एक ये पैरामीटर है कि जब ये ऊपर को क्रॉसओवर होगा तब मैं कॉल की पोजीशन लूँगा, तो एक चेकलिस्ट बनाओ, उस पर ये टिक हो रहा है तो ओके है। तीसरा, प्राइस अपने सपोर्ट पर होना चाहिए, देखो यहाँ पर सपोर्ट पर है, ओके, दूसरा पैरामीटर चेक। तीसरा, कोई कैंडल बन रही है, पैटर्न बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ओके, ठीक है। अब ये आपकी तीनों चीज़ें जब चेक मार्क हो गई ना, तब आप यहाँ पर ट्रेड बनाओगे कॉल साइड का। तो ये होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब समझो, इंसान, आपका इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, आपका एक्सपीरियंस फेल हो सकता है, पर एक सिस्टम फेल नहीं होता। सिस्टम के बहुत हाई चांस होते हैं सक्सेस होने के, तो इस सक्सेस रेशियो को ही मेंटेन रखना है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। आप पेशेंस रखोगे, यहाँ पर बैठोगे, मार्केट में देखोगे, अपनी सही एंट्री बनाओगे, सही एंट्री का वेट, टारगेट का वेट करोगे, तो यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट लेकर ही निकलोगे। मैं जब भी लॉस करता था शुरू में, जब मैं सीखता था 4-5 साल पहले, तो यही सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया। तो अब यहाँ पर करना क्या है, देखो सबसे पहले तो अपने माइंड सेट से निकाल दो कि इंट्राडे क्या पोजीशन बनाई है तो मुझे 3 बजे काटना ही काटना है, मत करो ऐसा भाई। अगर SL हिट नहीं हुआ है तो उसे छोड़ दो, वो आप BTST में लेकर के चले जाओ, क्योंकि आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, हो सकता है कल के दिन गैप अप में हो जाए, SL तो आप ले ही रहे थे ना, तो उस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे निफ्टी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे यहाँ पर, 30 मिनट जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लेवल क्या है हमारे, यहाँ पर एक डिमांड जोन तैयार है, आप सबको दिख रही है डिमांड जोन, सप्लाई जोन आपको नहीं पता तो मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, जा कर के देख लेना, वीडियो बनाना सीख जाओगे। अब यहाँ पर देखो, एक ये यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है, इसका सपोर्ट है, ये देखो यहाँ पर भी, तो ये क्या हो जाता है, ये एक लेवल। फिर देखो यहाँ पर इसने फिर से रेजिस्टेंस बना लिया मार्केट ने, तो ये एक लेवल बन जाता है। तीसरा लेवल हमारा बन रहा है ये, ठीक है, अब ये लेवल हमारे तैयार हो गए। अब एक नीचे का लेवल बना लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे को निकलती है तो ये देखो यहाँ पर ये लेवल बन रहा है, एक ये लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
अब यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। देखो ये आपने लेवल सेट करके रख लिया, ये मैं कब कर रहा हूँ, ये मैं आज मार्केट 3:30 बजे बंद होने के बाद में ये लेवल सेट करके मैंने रख दिए हैं। और अब ये लेवल हमें कब तक यूज़ करने हैं, सबसे बड़ी बात, रोज़ रोज़ लेवल नहीं बनाने होते। ये लेवल हमें तब तक यूज़ करने हैं जब तक कि इस लेवल के ऊपर या नीचे मार्केट नहीं निकलती, ठीक है। लेवल हमारे काम का नहीं रहता, अगर इसके ऊपर निकल के यहाँ मार्केट आ जाएगी तो ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस ये बन जाएगा। अभी मार्केट यहाँ पर है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो जब भी सप्लाई जोन डिमांड जोन चलती है ना, तो मार्केट का जो चलने का पैटर्न होता है वो ये होता है, सपोर्ट से डिमांड जोन से सप्लाई जोन और फिर ऊपर से नीचे, फिर ये कुछ इस तरह से मार्केट चलती है। क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर बनाया गया सपोर्ट जोन और सप्लाई जोन और डिमांड जोन है, तो ये इतनी जल्दी एक या दो बार में नहीं टूटता, इसमें लगता है टाइम या हफ्ता, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से बनता है, ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इंट्राडे के चक्कर में आधे से ज़्यादा गलतियाँ वहीं कर देते हो कि हाँ बस जल्दी जल्दी के चक्कर में। अपना माइंडसेट ये रखो कि मैंने जो ट्रेड लिया है ना वो नेक्स्ट वीक के लिए लिया है, अगले हफ्ते मार्केट उधर जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से लो ट्रेड को, करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, माइंडसेट में ये रखो, माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, बिना माइंडसेट के आप नहीं कर सकते। करना आप इंट्राडे ही करोगे, कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। पोजीशन के हिसाब से एंट्री नहीं बनानी, चार्ट 5 मिनट के हिसाब से चल रहा है हमें नहीं देखना, पेशेंस रखो। 15 मिनट के हिसाब से चार्ट देखेंगे, 15 मिनट, अब 15 मिनट के हिसाब से ये जो चार्ट चल रहा है ना, अब इसको देखो, 5 मिनट में हर कैंडल के ऊपर आपके सेंटीमेंट बदलते हैं, यहाँ पर वो टाइम फ्रेम बढ़ गया, अब यहाँ पर हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो अब एक कैंडल जो बनेगी वो 15 मिनट में बनेगी, जो ट्रेड मिलेगा वो आपको परफेक्ट और बड़ा ट्रेड मिलेगा, यानी टारगेट भी उसका बड़ा ही होगा। तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कत ये होती है, ऐसे में दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि जो भी हम लोग पोजिशन बनाते हैं ना तो वो एकदम परफेक्ट बनती है। तो अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात है कि मैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर काम करता हूँ, जब प्राइस सप्लाई जोन पर होगी तो यहाँ से डिमांड जोन के लिए ट्रेड लूँगा, और जब यहाँ पर डिमांड जोन पर प्राइस होगी तो यहाँ से सप्लाई जोन के लिए ट्रेड लूँगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं मार्केट खुली ऊपर गई, देखो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है मार्केट नीचे आएगी, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितनी आसानी से नज़र आ रहा है। अब जो बिगनर हैं उनको नहीं समझ में आएगा, मैंने क्या पहले कह दिया, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब ये लेवल आपने यहाँ सेट कर लिया ना, अब एंट्री कैसे बनानी है, एंट्री कैसे बनाएंगे, चले जाएंगे, ये लेवल हमारा बन गया ना यहाँ पर, ये अभी रेड कैंडल समझ लो नहीं आई है, इसके आगे का चार्ट है ही नहीं, ये मार्केट यहाँ पर फंस गया बीच में। अब ये 15 मिनट की कैंडल है, कोई 5 मिनट की नहीं है, जो 2 मिनट में टूट जाएंगी, निकल जाएंगी इधर उधर या फेक ब्रेकआउट दे देंगे आपको, ये 15 मिनट की है। तो अब चले जाएंगे 5 मिनट के ऊपर, अब 5 मिनट के ऊपर आकर के हमें करना क्या होगा, अब ये देखो हमारा लेवल यहाँ पर ये बन गया था, अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब देखो यहाँ पर बैठे ना, ये कैंडल नीचे की तरफ यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल कैसी बनी, नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ना चाहिए, इसका लो नहीं टूट रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लो पर ये ला कर रख देंगे। देखो अब इसके लो के नीचे ये कैंडल जैसे ही निकलती हम लोग ट्रेड बना लेते। अब 5 मिनट में भी ये चीज़ देख के रखना कि जो यहाँ पर टाइमिंग चल रही होती है 5 मिनट की, वो 3 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तभी हम लोग ट्रेड बनाएंगे पुट में। यानी कि ये नहीं कि इसके नीचे निकली और अभी 4 मिनट कुछ सेकंड हुए हैं, मतलब अभी कुछ ही सेकंड हुए हैं आपने ट्रेड बना लिया, कम से कम 3 मिनट तक की यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए कैंडल इसके नीचे, फिर आखिर के 2 मिनट जो बचेंगे ना उसमें हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बना अपना। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने इसका लो तोड़ के यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ये कैंडल पूरी सस्टेन हुई। नेक्स्ट कैंडल जो है ना, अब इस कैंडल को ही मान के चलो अपने दिमाग में कि यही मेरा सपोर्ट, यही मेरा रेजिस्टेंस हो गया। अब कैंडल इसके ऊपर अगर आती है तो हमारा ट्रेड नहीं है, यहीं से कैंडल नीचे बन रही है, 3 मिनट तक की यहाँ पर सस्टेन कर गई कैंडल। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एंट्री बना लिया। अब टारगेट कैसे डिसाइड होगा, टारगेट के लिए वापस यहाँ पे ट्रेड बना लिया, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने ये ट्रेड बनाया था 3 मिनट पर, SL हमारा जो होगा वो बनेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है, ये हमारा SL होगा यहाँ पर। टारगेट कहाँ होगा, टारगेट अपना ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन के 50% तक भी अगर कैंडल आती है ना तो एग्जिट कर जाओ,
और यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर रुकी है मार्केट, तो यही अपना एक लेवल था। मार्केट यहाँ पर जैसे ही आई वैसे ही अपन लोग एग्जिट हो गए यहाँ से। अब देखते हैं दूसरा ट्रेड कैसे बन सकता है इसमें, ठीक है। अब दूसरा ट्रेड की तरफ देखते हैं चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये आ गया देखो, अब मेरा सेटअप है, मेरा सेटअप में क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कि यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हो और डिमांड जोन से पे है प्राइस। तो मैं कहाँ का ट्रेड देखूंगा, मैं ट्रेड देखूंगा पुट साइड का, क्योंकि सप्लाई जोन है। मैं सप्लाई जोन लगा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सप्लाई जोन है, यहाँ से पुट का ट्रेड लेना है, यहाँ से कॉल का ट्रेड लेना है। तो अब ये जो कैंडल है यहाँ पर देखो डोजी बनाई, अब इसी कैंडल को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मार्क करके हम लोगों ने क्या किया, रख लिया। ये देखो ये है 15 मिनट की कैंडल, इसे ही मार्क कर लिया, इसका लो और इसी कैंडल का हाई। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर लो। देखो ब्रेकडाउन ये 3 मिनट तक की कैंडल सस्टेन करेगी, यहाँ पर हम लोग पुट का ट्रेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, इसने इसका हाई नहीं तोड़ा है लेकिन लो तोड़ा है, तो जब लो तोड़ेगी कैंडल तो हम लोग लो साइड का ट्रेड यहाँ पर बना लेंगे। 3 मिनट तक की सस्टेन करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रेड। अब टारगेट डिसाइड कैसे होगा, देखो इससे पहले कहाँ पर मार्केट सस्टेन करी है, ये है लेवल, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने रुकावट दिखाई है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मार्क करेंगे, बहुत लंबे ट्रेड के लिए नहीं बैठेंगे, ठीक। अब देखो भले इसके नीचे मार्केट गई है लेकिन ये अपना टारगेट है, ये अपना स्टॉप लॉस था। अब रेशियो अगर नाप के देखो ना, तो ये देखो लगभग 38 पॉइंट इधर हैं और लगभग 142 पॉइंट इधर है, तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। टारगेट हिट हो गया, अपन लोग प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर से वही कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इस चीज़ के ऊपर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब इसकी बैक टेस्टिंग आप करना चाहो आप कर सकते हो, मैंने आपको एक तरीका दे दिया ट्रेड करने का। और हाँ, ये ट्रेड कैसे करना है, साइकोलॉजी इसमें कैसे यूज़ करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। साइकोलॉजी आपको ऐसे यूज़ करनी है कि अपने माइंडसेट से ये निकाल देना है कि ये इंट्राडे मैं कर रहा हूँ, एक कैंडल या दो कैंडल में फ़ौरन एग्जिट करना है। डर कब लगता है पता है, जब आप हैवी क्वांटिटी उठाते हो लालच में कि बड़ा प्रॉफिट होगा। मत करो, पहले प्रैक्टिस कर लो सिंगल लॉट से, एक महीना प्रॉफिटेबल रह करके तो दिखाओ। एक महीना प्रॉफिटेबल रहो, आप वही प्रॉफिट की पूंजी को आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हो, बल्कि अदर कैपिटल लगाने से। आपको मार्केट में 5000 रुपये बहुत ज़्यादा चाहिए बस मार्केट में सस्टेन करने के लिए, बस तरीका आपका सही होना चाहिए। जल्दबाजी में लिए हुए सारे ट्रेड गलत ही होते हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें एक सिस्टम पर वर्क करना है और वही सिस्टम को फॉलो करते चले जाना है, उसी सिस्टम में परफेक्ट हो जाना है। यहाँ पर चलो ठीक है, मार्केट मान के चलो साइडवेज हो जाती तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता मैं, ऐसी सिचुएशन में ये अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करता। स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, छोड़ दो इसको। टारगेट अपना ये नाप करके देखा, नापना आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रेड बनाया था तो यहाँ पर रखा, ये देखो यहाँ पर 50 पॉइंट दिख रहे हैं, इसके ऊपर 50 पॉइंट का आधा कर लो 25 पॉइंट, यानी 25 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट अपना ये देखो 140 पॉइंट, तो 70 पॉइंट का, यानी इसका हाफ 70 पॉइंट का टारगेट ही अपना यहाँ पर रखा है। तो 25 × 70 यानी अच्छा रेशियो आपको ट्रेड में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसी तरीके से ट्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती और अपने टारगेट को रीच नहीं करती है, यहीं कहीं पर मार्केट घूम रही है, ऊपर नीचे कर रही है और मार्केट क्लोज होने की टाइम पर आ गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, तुरंत वहां से निकल जाएंगे जो भी प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर ट्रेड बनाया था और अपने लॉस में चल रही है लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या करेंगे, पोजिशन को छोड़ भी सकते हैं अगर मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव है तो, नहीं तो अपना वो लॉस लेकर के निकल जाएंगे, मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब एक तरीका इसमें यह है, अब दूसरा तरीका इसमें यह है कि जब फ्राइडे होता है ना, तो फ्राइडे जैसे देखो मार्केट ना पिछले हफ्ते दो हफ्ते से बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, तो अब यहाँ पर अगर आपने कॉल साइड की यहाँ पे पोजीशन बनाई है फ्राइडे को या मंडे को, तो आप उसे होल्ड कर सकते हो थर्सडे तक, ठीक है। नहीं तो
आप एग्जिट कर सकते हो, और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है, अपने हाई टाइम पर है, तो यहाँ पर पुट की पोजीशन अगर आपने बनाई थी तो उसे आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सपायरी एक दिन या दो दिन पास है ना, तो उम्मीद यही करना कि नेक्स्ट एक्सपायरी में जा करके ट्रेड करना, अपना पैसे को सेव करना है हमें। एक्सपायरी नेक्स्ट ले लेंगे, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा वो चलेगा, लेकिन क्या है, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा और रखने के बाद में पूरा एक सिस्टम बनाओ अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिकेटर का यूज़ मत करो, आप करो, आपके पास तीन इंडिकेटर हैं, चार इंडिकेटर हैं, जो भी आप लगाते हो। तो हर एक इंडिकेटर का एक होता है कि जैसे चलो मैं लगा लेता हूँ कोई भी, चलो एक मूविंग एवरेज लगाए, उसी पर मैं दिखाता हूँ, मूविंग एवरेज है या RSI है। अब आप यहाँ पर करते ये हो कि आपका एक ये सिस्टम है कि जब मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, RSI भी नीचे की तरफ निकलेगी, तब मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊँगा। तो दोनों चीज़ों को आने दो। अब इसी में अगर एक दो इंडिकेटर और यूज़ करते हो तो उन चारों चीज़ों को एक साथ आने दो, तब यूज़ करो। अब तीसरा एक तरीका और बता रहा हूँ कन्फर्मेशन अपनी बढ़ाने का। आप देखो यहाँ पर ट्रेड आप ले रहे थे, ये 21,500 के आसपास का लेवल है। आप सीधे NSE की वेबसाइट पर जाओ, खुल जाओ, यहाँ पर चेक करो क्या 21,500 की जो कॉल साइट की पोजीशन है वो नंबर पुट साइट से बड़ा है। 21,500, ये देखो 1,40,000 और इधर खाली 29,000, हाँ बड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क है ना। तो बस समझ लो कि ये अपना रेजिस्टेंस है, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ या पुट साइड का ट्रेड बना लो। एक ये तरीका है। अगर ये तरीके पर आपको पूरी स्ट्रेटजी सीखनी है तो मैंने LTP कैलकुलेशन के नाम से वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, अच्छे खासे उसके ऊपर व्यू हैं, जाओ आप देखो, लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, पूरा एक कोर्स बनाया है LTP कैलकुलेशन के नाम से। आपको उसके बाद कोई पेड कोर्स खरीदना नहीं पड़ेगा अगर वो वीडियो आपने सारी सीरीज देख ली तो, ठीक है। आपको आई होप कि ये स्ट्रेटजी समझ में आई हो, मेरी बातें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।